नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं सीएचएमई न्यूज। मातृ दिवस के अवसर पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की बात कही गई। निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक ने आयुर्वेद के पहलुओं के बारे में चर्चा की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा से मातृ दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहले कार्यक्रम में महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान हुआ। इसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के डीन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर सुधांशु पांड्या, प्रोफेसर किरण पांडे विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, डॉक्टर वंदना पाठक आयुर्वेदा आचार्य कानपुर, डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ कानपुर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव एवं कानपुर नगर के ACMO डॉक्टर सुबोध प्रकाश ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बैरी कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं बिठूर के ईश्वरीगंज एवं बरट बांगर क्षेत्र से 91 गर्भवती महिलाओं का विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। GSVM कॉलेज कानपुर की स्त्री रोग विभाग से डॉक्टर अरुक्षिता एवं डॉक्टर शेफाली तथा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि सचान ने महिलाओं के स्त्री रोग संबंधी स्वास्थ्य का परीक्षण किया एवं उन्हें परामर्श दिया। डॉक्टर चमन कुमार MD मेडिसिन ने भी स्वास्थ्य परीक्षण किया एवं परामर्श दिया। इसके साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं की विभिन्न जांचें भी निशुल्क की गईं। दूसरे कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्य पर व्याख्यान हुआ। आयुर्वेदा आचार्य डॉक्टर वंदना पाठक ने स्वास्थ्य और मातृत्व पर अपनी बात रखते हुए कहा, आयुर्वेद में गर्भावस्था में आहार एवं आचार विचार का विशेष उल्लेख है और उन्होंने भारतीय पारंपरिक खानपान पर जोर देते हुए बाह्य खाद्य पदार्थों का सेवन करने से परहेज करने पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने नियमित योग करने के लिए भी महिलाओं को प्रेरित किया। GSVM मेडिकल कॉलेज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर किरण पांडे ने अपने व्याख्यान में गर्भवती महिलाओं को कम से कम 4 बार डॉक्टर से जांच करवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में गर्भवती महिलाओं को साफ सफाई का ध्यान रखने एवं उचित पोषण लेने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने गर्भावस्था में आहार और फिटनेस विषय पर व्याख्यान देते हुए गर्भवती महिलाओं को आहार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की और बताया कि गर्भ में शिशु के उपयुक्त विकास के लिए निरंतर व्यायाम करना चाहिए, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए तथा नियमित जांच करानी चाहिए। कानपुर नगर के ACMO एवं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध प्रकाश ने भी महिलाओं के खानपान संबंधित जानकारी प्रदान की, जिससे गर्भ में शिशु स्वस्थ रह सके। वहीं डॉक्टर वंदना पाठक की अगुवाई में मातृ दिवस एवं पुष्य नक्षत्र के अवसर पर स्वर्ण प्राशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर परिसर में 26 बच्चों को एवं लाल बंगला स्थित क्लिनिक में 62 बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कराया गया। इस अवसर पर डॉक्टर वंदना पाठक ने बताया कि COVID-19 जैसी महामारियों से बचाव हेतु आयुर्वेद ने बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। स्वर्ण प्राशन भी इसी कड़ी में एक उपाय है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मिशन शक्ति नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराधा कलानी, कुलानुशासक डॉक्टर प्रवीण कटियार, डॉक्टर वर्षा प्रसाद, डॉक्टर दिग्विजय शर्मा, डॉक्टर मुनीश रस्तोगी, डॉक्टर रश्मि गोरे, डॉक्टर स्नेहा पांडे, डॉक्टर पुष्पा ममोरिया एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सोनी गुप्ता ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, CHMU न्यूज कानपुर। CHMU न्यूज में खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको CHMU न्यूज की ताजा तरीन खबरें मिलती रहे। आप हमें हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए CHMU न्यूज।